हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वर्ल्ड का हर एक बच्चा बड़ा ही प्यारा होता है। पूरी दुनिया छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन फ्रेंड्स, इसी दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अनोखे पैदा हुए। इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और, लेकिन आज जो हम आपको छोटे छोटे कुछ बच्चे दिखाने जा रहे हैं वो दूसरे बच्चों से काफी अलग हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना नया एपिसोड। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। नंबर वन, टेसा इवेंस। दोस्तों, ये बच्ची अमेरिका के एक दंपत्ति के घर पैदा हुई। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन टेसा इवेंस जब पैदा हुई थी तब से ही उनके पास नाक नहीं था। आप खुद ही देख लीजिए, चेहरे पे सब कुछ है लेकिन नाक नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो इसे अप्लेसिया कहा जाता है। ये बीमारी दुनिया भर में सिर्फ 1% लोगों को ही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेसा इवेंस सांस कैसे लेती होंगी। दरअसल टेसा इवेंस को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी ये मजबूती के साथ इस बीमारी के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। टेसा इवेंस के माता पिता का कहना है कि जब भी उनकी बच्ची सोती है उस समय उसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सोते समय टेसा इवेंस को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। टेसा इवेंस नाक न होने की वजह से चीजें सूंघ कर भी नहीं पहचान सकते। साथ ही इनको नाक की कमी की वजह से आंख और कान में भी कई बार बहुत तकलीफ होती है। नंबर टू, ललित पटीदार। दोस्तों, हमने बचपन में इतिहास की पढ़ाई करते हुए आदि मानवों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तस्वीरों में हम देखते थे कि आदि मानवों के पूरे शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। इतना ही नहीं, उनका चेहरा भी बड़े बड़े बालों से ही ढका हुआ रहता था। लेकिन आज हम आपसे एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे ही तरह एक साधारण इंसान है, लेकिन उसका चेहरा आदि मानव की तरह है। जी हाँ दोस्तों, ललित पटीदार नाम के इस लड़के का चेहरा 5 सेंटीमीटर के बालों से ढका हुआ रहता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 13 साल के ललित के चेहरे पर जन्म से ही बाल उगते आ रहे हैं। ललित कंजेनाइटल हाइपरट्राइकोसिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। दुख की बात यह है कि फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि ललित ने कभी भी इस बीमारी से हार नहीं मानी। पुलिस अधिकारी बनने की तमन्ना लिए जीवन में आगे बढ़ रहे ललित ने बताया कि अनजान लोग उन पर पत्थर से हमला करते हैं, कई बार तो उन्हें बंदर कहकर बुलाते हैं। अच्छी बात यह है कि ललित के परिवार और उनके दोस्तों ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि एक समय जीवन में ऐसा भी आया था जब उनके चेहरे के बालों की वजह से उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब ललित अपने चेहरे के साथ खुश हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर थ्री, मुइन बकनेव। ये बच्चा रूस की राजधानी मॉस्को का रहने वाला है। आप इसे जरा गौर से देखें, इसकी पलकें बहुत बड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, आम लोगों से कम 10 गुना बड़ी हैं इस बच्चे की पलकें। मुइन जब पैदा हुए थे तो इनके मम्मी पापा बताते हैं कि इनकी पलकें इनके होठों को छू जाती थीं। हालांकि अपने बड़े बड़े पलकों की वजह से मुइन को कोई परेशानी नहीं होती है। ये दूसरे बच्चों की तरह ही अपनी जिंदगी मस्ती के साथ जीते हैं। अपने मम्मी पापा के साथ खूब डांस करते हैं। ये फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े होकर ये फुटबॉलर बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि अपनी लंबी पलकों की वजह से ये रूस में रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। नंबर फोर, लुइस मैनुअल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या किसी छोटे बच्चे का वजन जो कि सिर्फ 10 महीने का है 30 किलो हो सकता है, आप कहेंगे कि किस तरह की बातें कर रहा है यार। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है। इनसे मिलिए, ये हैं मेक्सिको के लुइस मैनुअल, दुनिया के सबसे वजनदार बच्चे। ये जब सिर्फ 10 महीने के थे तभी इनका वजन बढ़कर 30 किलो हो गया था। एक्चुअली लुइस को बचपन से ही बहुत ज्यादा भूख लगने की बीमारी थी। ये हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते थे, साथ ही इनका वजन भी लगातार बढ़ता गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब ये सिर्फ 2 महीने के थे इनके मम्मी पापा को इन्हें 2 साल के बच्चों वाले कपड़े पहनाने पड़ते थे। दिक्कत यह है कि अपने लगातार बढ़ते वजन की वजह से लुइस कई और बीमारियों का शिकार बन गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नंबर फाइव, नरियाना। ये बच्ची भी रूस में पैदा हुई। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। नरियाना की खासियत यह है कि इनके बाल, आंखों की पलकें सब व्हाइट कलर की हैं। ये बिल्कुल दूध की तरह दिखती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नरियाना एक सोशल मीडिया स्टार हैं। इन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एड्स में काम किया है। दरअसल पहली बार नरियाना तब फेमस हो गई थी जब एक फोटोग्राफर ने इनकी फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। नंबर सिक्स, मेडन हम्फ्री। ये बच्चा अमेरिका का रहने वाला है। जब आप इस बच्चे को देखेंगे तो आपको कुछ भी अलग या यूं कहें कि अजीब नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत अलग है। दोस्तों, मेडन हम्फ्री की जरा दोनों आंखें देख लीजिए। ये बहुत अलग क्या आपको नहीं दिख रही? एक आंख ब्राउन कलर की है तो दूसरी आंख का कलर है ब्लू। डॉक्टरों का कहना है कि ये बहुत ही अनकॉमन बीमारी है। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। मिडन भी उन्हीं में से एक हैं। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। मिडन हम्फ्री के साथ एक बिल्ली है और इस बिल्ली की आंखों का रंग भी मिडन हम्फ्री की तरह ही एक तरफ ब्राउन है तो दूसरी तरफ ब्लू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हो तो प्लीज यूट्यूब पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर दें। साथ में ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपके लिए लाते रहेंगे एक से बढ़कर एक वीडियोज़।